नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गियरबॉक्स में। और आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है मारुति की ब्रेजा। ये गाड़ी है 2021 मॉडल विटारा ब्रेजा LXi, जो कि बेस से एक ऊपर वेरिएंट है, जिसमें अपन को मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 130 bhp पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की जिसपे बात करें तो उसमें आपको मिल जाता है 48 लीटर का। अपने पास है VXi, जो बेस मॉडल से एक ऊपर वाला मॉडल आता है। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें तब हमें यहाँ मिलती है ये DRL जो व्हाइट लाइन में है, लेकिन जो मैन इसका हेडलैम्प है ये हमें व्हाइट लाइन में ना मिलके ये मिलता है हमें जो आपकी येलो लाइट आती है उसमें। और ये आपको इंडिकेटर है जो साइड में ट्रिपल लेयर वाले मिलते हैं आपको, इसमें यहाँ अलग अलग कटआउट है जो काफी देखने में अच्छे लगते हैं। और ये आपको ग्रिल इसकी दिख रही है जो नॉर्मल सी ग्रिल है। इसके अलावा आपको इधर का लुक आप देख सकते हो। और आपको इसमें एक अच्छी बात, इंडिकेटर नहीं दिया, कि जो इंडिकेटर दिया गया है वो मिरर्स पे दिया गया है। और आपको इस गाड़ी में अलॉय व्हील देखने के दूर दूर तक नहीं मिलते हैं, इसमें एक स्टील रिम है। यदि हम गाड़ी के पीछे के व्यू की बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार का व्यू मिल रहा है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ हमें दो प्रकार की लाइटें मिल रही हैं, एक ये लाइट है और इसमें ये लाइट है, ये इंडिकेटर लाइट है और ये ब्रेकिंग लाइट है, जो दोनों फिर दोनों हेलोजन बल्ब में ही आते हैं। यहाँ आपको कोई व्हाइट लाइट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये जो बम्पर है ये बाहर से लगाया हुआ है टोटली। और इधर से आप देखोगे तो गाड़ी का कुछ लुक ऐसा आता है जो दिखने में इसका स्टांस काफ़ी अच्छा है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात बताऊं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो तकरीबन 200 mm के आसपास है आप देख सकते हो। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको ये जो रेन वाइजर दिख रहे हैं, ऊपर से ये ग्रिल भी दिख रही है, ये ऐसा कुछ नहीं आता, ये आपको आफ्टर मार्केट काम करवाना पड़ता है। उसमें एक ये शार्क फिन एंटीना आजकल जो काफ़ी ट्रेंड में वो भी नहीं मिलता है आपको, ये डंडी वाला एंटीना आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा आप सामने का लुक भी आप देख सकते हो, उसका इस प्रकार का आता है। मैं आपको इंजन खोल के इंजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वेट करो। तो ये है इसका 1.5 लीटर वाला इंजन। और यहाँ आपको ये साउंड प्रूफ वाला गत्ता भी मिल रहा है। और इंजन में आपको देखने के लिए काफ़ी अच्छा, दिखने में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बना रखा है मारुति ने। दूसरी बात सबसे अच्छी इस इंजन की ये है कि ये काफ़ी रिफाइन इंजन है, इसकी नॉइस बहुत ही कम है। और जब हम गाड़ी के अंदर इसको ड्राइव करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी ऑन है या नहीं है। कई कई बार मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, कई बार नहीं बहुत बार हो चुका है कि मैं दो या तीसरी बार स्लब मार देता हूँ चलती गाड़ी के अंदर, या मैं जहाँ कहीं रुका हूँ वहाँ स्लब मार देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा इंजन बना रखा है मारुति। और अंदर का वॉक अराउंड है, अब वो मेरा दूसरा साथी जो यहाँ आपको मिल रहा है ये रहा, तो ये आपको अंदर का सारा वॉक अराउंड देगा। एक्सटीरियर की बात करें तो मेरे दोस्त पंकज ने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सब चीज़ों के बारे में। अगर इंटीरियर की बात करें तो हमको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता है, उसके लिए हमें की होल फीचर इस्तेमाल करना पड़ता है। और स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, बाकी साइड में इसके दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक सामने और एक पैसेंजर के लिए। और बाकी डिस्प्ले की बात करें तो MID डिस्प्ले भी इसमें मिलती है, और साइड में दो एनालॉग डिस्प्ले हमको मिल जाती हैं। उसके साथ ही हेडसअप डिस्प्ले वगैरह वैसे कोई फीचर है नहीं, बेस मॉडल है तो। और बीच में हम बात करें तो यहाँ पे हमको मिल जाता है हजार्ड लाइट का ऑप्शन और एक म्यूजिक सिस्टम जो कि डिस्प्ले के साथ अब नहीं आता है। और एसी की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी हमको नहीं मिल जाती है, ऑन ऑफ के फीचर्स हैं यहाँ पे, ये सराउंडिंग के लिए है। और USB सॉकेट की अपन अगर बात करें तो इसमें अपन को मिल जाता है एक टाइप ए USB और साथ में ऑक्स केबल के लिए, और इस साइड मिल जाता है हमको एक चार्जिंग पोर्ट उसके साथ। इसके साथ यहाँ पे मिलता है हमको थोड़ा सा स्पेस। और एसी की बात करें तो चार वेंट्स हैं पीछे की साइड, एसी के लिए कोई वेंट हमको नहीं दिया गया है। गेनोब है, साथ ही में हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर्स, उसके साथ थोड़ा सा और स्पेस। यहाँ पे हमको आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, और जो सीट पे लेदर का जो वर्क किया गया है वो बाहर से किया गया है, कंपनी के साथ नहीं आया है। ये कटन वगैरह ये भी कंपनी के साथ नहीं आए हैं। और यहाँ पे राइट साइड में डोर पे अपन को मिल जाते हैं विंडो अप डाउन करने के बटन्स, पावर अनलॉक लॉक के बटन, और यहाँ पे एक चाइल्ड लॉक का सपोर्ट भी हमें दिया गया है। स्टीयरिंग की साइड पे हमको मिल जाता है साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन और हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन। एसी वेंट्स की बात करें तो इसमें चार एसी वेंट्स है, पीछे की साइड इसमें हमको कोई एसी वेंट्स नहीं दिए।
यहाँ पे पीछे की बात करें तो यहाँ पे सीट पे जो लेदर का वर्क हो रखा है ये बाहर से एक्सटीरियर से कराया गया है। और बूट स्पेस की बात करें तो अपन को काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और उसके साथ हमको मिलता है स्टेपनी, जिसे एक्स्ट्रा टाइस के नाम से भी जान सकते हैं, दो जो कि खुद 205/60 R1692H के साथ आता है। मतलब जो साइड प्रोफाइल लगी हुई है उन्हीं के साथ ही आता है। साइड में यहाँ पे कुछ जगह अपन को मिल जाती है। और ये जो डिक्की के ऊपर कवर दिख रहा है, मतलब ये बॉक्सर कवर, ये बाहर से डलवाया गया है जो कि कंपनी मारुति के साथ नहीं आता है। पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे भी अपन को कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, विंडो अप डाउन के बटन्स, और नीचे फ्लोरिंग में मेटल बैगी है जो कि एक्सटीरियर की है, कंपनी के साथ नहीं आती है। और यहाँ पे चार स्पीकर्स मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अपन बात करें तो जो कि दो आगे दो पीछे हैं, और यहाँ पे दो मिड के लिए ट्यूनर अपन को मिल जाते हैं, और चार सब ऊपर साइड बाय साइड अपन को मिल जाते हैं। पैसेंजर सीट की बात करें तो ये काफ़ी जगह है इसमें, मतलब एक अच्छा खासा हाइट का आदमी, 6 फुट 6.5 फुट का आदमी आराम से इसमें बैठ जाए, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। साइड में अपन को मिल जाते हैं कप होल्डर्स वगैरह, और कुछ स्पेस जो कि हर डोर में अपन को अवेलेबल है। अगर फ्यूल टैंक खोलने की बात करें तो वहाँ पे इसके लिए अपन को लीवर दिया गया है, और सामने का बोनट खोलने के लिए इस साइड लीवर है, जो कि इस साइड अभी थोड़ा कम लाइट वर्क में मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, सांझ का टाइम हो रखा है। तो वैसे इंटीरियर में इतना कुछ खास आया नहीं था इसमें, हमने फ्लोरिंग वगैरह मैटिंग वगैरह वो हमने खुद से बाहर से करवाई है जो कि जयपुर से हुई है। बाकी व्हील के वगैरह ये स्टॉक व्हील्स हैं, अलॉय व्हील नहीं है इसके अंदर, जो कि हमने बाहर से करवाई है खुद से, ये देख लीजिए। तो दोस्तों आपने जब यहाँ तक वीडियो देखा है आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।